छठी प्रश्नावली है त्रिभुज। इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। दर्शाइए कि ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। ये हमें ज्ञात करना है। देखो ये चित्र बना रखा है, तो हमें सर्वप्रथम काम क्या करना है कि एक लाइन ए और सी को मिला देंगे। हम ए और सी से भी मिला सकते हैं और बी और डी को भी मिला सकते हैं। तो हमें इसको मिला दिया, हमने ए को सी से मिला दिया और यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पे नाम दे दिया इसका जी। अब ये वाला जो है दो त्रिभुजों में बट गया, एक तो है ए डी सी में बड़ा त्रिभुज की बात करें और दूसरा त्रिभुज है ए बी सी में। ठीक है, तो हम पहले लेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। अब इसमें देखो ये वाली भुजा इसके बरोबर है, ये वाली ए ई बरोबर है ए जी के। ठीक है, और इसके बटे में आ जाएगा ई डी बटा जी सी। तो लिख लेते हैं हम ए ई बटा ई डी बराबर है ए जी बटा जी सी। देखो ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी, ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे हम त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में इसमें भी बी एफ बटा एफ सी, तो बी एफ बटा एफ सी बराबर है ए जी बटा जी सी के, तो ए जी बटा जी सी। ये हो गई समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो हमें क्या करना है कि हमें समीकरण नंबर एक और दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण नंबर एक और दो से देखो इसका ए जी बटा जी सी है और इसका भी ए जी बटा जी सी है, तो दोनों कट गया। बचा क्या, ए ई बटा ई डी बराबर है बी एफ बटा एफ सी, तो ए ई बटा ई डी बराबर है बी एफ बटा एफ सी, बी एफ बटा एफ सी, और यही हमें आंसर लाना। देखो ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, इति सिद्धम।